विदिशा रेलवे स्टेशन पर जाकर बाहर से विदिशा आने वाले सभी लोगों को उनकी पॉलिथीनों की जगह पॉलिथीन का सामान निकालकर निशुल्क कॉटन के बैग दिए गए और पॉलिथीनों को सूखे कचरे में डाल दिया गया। आज सुबह कुछ अच्छा करते हैं ग्रुप के ये सभी सदस्य द्वारा इस मुहिम को चलाया गया। रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ ग्रुप के सदस्यों के आने जाने वाले राहगीरों से पॉलिथीन बदलकर उनको पॉलिथीन के बदले बैग वितरित किए, साथ ही पॉलिथीन उपयोग न करने का निवेदन भी किया। इसके पश्चात दोपहर को माधवगंज स्थित सब्जी मंडी जाकर वहां लोगों को पॉलिथीन में सब्जी ले रहे थे उनकी पॉलिथीन बदलकर उनको पॉलिथीन के बदले बैग दिए गए, साथ ही उन्हें पॉलिथीन के उपयोग न करने का आग्रह भी किया। ग्रुप के सदस्यों ने इस मुहिम के मिशन के रूप में लेकर रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी मेन रोड स्थित दुकानदारों को भी पॉलिथीन में सामान न देने की गुजारिश की। आज लगभग 800 बैगों का वितरण इस ग्रुप के द्वारा किया गया। यह ग्रुप समय समय पर इसी तरह की गतिविधियां कर विदिशा को पूर्णतः पॉलिथीन मुक्त करेगा। इस हेतु आगामी समय में लोगों को जागरूक करने के लिए कई नए कदम भी उठाए जाएंगे। अरे तू हाथ हटा ले यार, वो एक जने कर तो रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने भी एक बीड़ा उठाया है कि विदिशा हम पूर्णतः पॉलिथीन मुक्त करके रहेंगे। इसलिए विदिशा स्टेशन से ही हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि जो लोग विदिशा में कदम रखें वो किसी भी तरह पॉलिथीन लेकर विदिशा में ना आए। इसलिए विदिशा स्टेशन पर से जो भी लोग अंदर आ रहे हैं हम उन सबसे पॉलिथीन लेकर उनको उसके बदले में हम कपड़े का बैग दे रहे हैं। उसी तहत हमने सब्जी मंडी में भी सभी जो लोग पॉलिथीन में सब्जी ले रहे हैं उनसे पॉलिथीन लेकर उसके बदले में कपड़े का बैग दिया है। नरेंद्र मोदी जी इस तरह के कार्य कर रहे हैं स्वच्छ भारत के लिए, उसी तरह हम लोग भी अब इस मुहिम को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और विदिशा पूर्णतः पॉलिथीन मुक्त होगा। ये हमने मिशन के रूप में हम लोगों ने सभी ग्रुप के सदस्यों ने शपथ ली है कि किसी भी तरह से कोई भी पॉलिथीन विदिशा में नहीं रहेगी। इसलिए हम अलग अलग तरह के नए नए मुहिम चलाते रहेंगे क्योंकि गाय भी मर रही हैं। कल हमने गौशाला जब देखा कि वहाँ पर भी बहुत सारी गाय मर रही है पॉलिथीन के कारण। तो पॉलिथीन जो सबसे बड़ी है पर्यावरण के लिए भी, हमारी गायों के लिए भी और हर तरह के लिए बहुत नुकसान दे रही है, उसको हम पूर्णतः विदिशा से मुक्त करके रहेंगे।